दोस्तों मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएस मैप कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन में आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ जीपीएस मैप कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो कभी भी अच्छा लग जाए तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीपीएस मैप कैमरा एप्लीकेशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों एक कैमरा लोकेशन फ़ोटो एप्लीकेशन है, मतलब आप आपके मोबाइल में फ़ोटो निकाल सकते हैं वो भी विथ लोकेशन के साथ। या दोस्तों यहाँ पर आप कैमरा मैप क्या एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन हो जाती है मोबाइल में। जैसी एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन होंगी आपके सामने एक ऐड दिखाई देंगे, ऐड को रिमूव कर देने का है। रिमूव कर देने के बाद उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आप डायरेक्टली जिस चीज़ का भी फोटो लेंगे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको परमिशन दे देना है, और परमिशन देने के बाद दोस्तों आप जिस चीज़ का भी फोटो लेंगे उसकी साथों साथ उस लोकेशन उसका लोकेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी लोकेशन है यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर मैं जैसी फ़ोटो लूँगा ये फ़ोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फ़ोटो सेव होने के बाद यहाँ पर कलेक्शन में ये फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये जो फ़ोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ लोकेशन के साथ, यहाँ पर लोकेशन भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये मैंने फ़ोटो किस लोकेशन पे यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर लोकेशन टाइम डेट टेम्परेचर सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो इसी तरह से ये एप्लीकेशन काम करती है, मतलब आप जिस जगह का भी यहाँ पर फ़ोटो निकालोगे उस जगह की यहाँ पर आप डायरेक्टली लोकेशन भी ले सकते हैं। मैप डाटा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैप डाटा मिल जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ पर मैप की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप बैक साइड आएंगे तो यहाँ पर आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जो भी फोटो आपने कैप्चर किया होगा यहाँ पर कलेक्शन में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट पर आप क्लिक करेंगे तो जो आप यहाँ पर फोटो कैप्चर करेंगे वो कौन से इसमें आने वाला फोल्डर में वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। टेम्पलेट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, टेम्पलेट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट दिखाई देते हैं। तो जो भी टेम्पलेट आप फोटो में ऐड करना चाहे वो टेम्पलेट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। थ्रिल लाइन पर क्लिक करके वाटरमार्क लैंग्वेज शेयर रेटिंग का प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिल्टर मिल जाते हैं, कैमरा एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर दोस्तों कैमरेज की सेटिंग आती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये है जीपीएस मैप कैमरा एप्लीकेशन जिसमें आप फोटो के साथ साथ लोकेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ़ोटो में।